Yes. So, स यस तो है माइक्राफ्ट और आज हम वापस तो ट्राई करने वाले माइक्राफ्ट की कुछ अजीब हो गरीबर्स तो चलो भाई अपना फर्स्ट मिथ देखते हैं तो इस मिथ के अकॉर्डिंग हम माइक्राफ्ट के अंदर वो भी सर्वाइवल में एक जाइंट जोम्बी को स्पोन कर सकते हैं भाई ये तो देखकर या सुनकर एकदम अजीब सा लग रहा है एक जोम्बी ने एक जाइंट जोम्बी को तो ठीक है भाई इसके लिए हमें एक छोटी सी कमाल लिखनी होगी तो सबसे पहले यहां हमें लिखना है समोन एंड बस

अगर आपको पता होगा कि हम जोम्बी को पानी में डाल देते हैं तो वो एक ड्राउन जोम्बी में कन्वर्ट हो जाता है बट क्या ये एक ड्राउन जोम्बी वो भी जाइट ड्राउन जोम्बी में कन्वर्ट होगा या नहीं भाई ये ट्राई करना बनता है बट यार समुद्र इतना गहरा नहीं होता ये देखो भाई यार समुद्र है भी वहां पर है समुद्र अरे वहां तो भाई अपना ये खत्म हो रहा है समुद्र यार मुझे लगा काफी ज्यादा गहरा होगा बट कोई नहीं अब एक सेकेंड

हाँ वैसे ये तलवार भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अब बारी है इस नूबड़े को मारने की भाई मुझे लग रहा है सौ दो सौ तो ले जाएगा जितना इसका साइज़ है ना उस हिसाब से बोल रहा भाई मैं बट देखते हैं एक दो तीन चार आज, आज, दो, दस, अबे, यार मेरे को ये तो उम्मीद नहीं थी बट हाँ ये थर्टीन हिट्स झेल गया वो भी इतनी खतरनाक तलवार की तो मानना तो पड़ेगा इस बात को बट एक सेकेंड नुबड़ा मेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा अटैक तो छोड़ो भाई ये मूवमेंट ही नहीं, नहीं कर रहा अब चलते हैं अपने अगले मिथ के तरफ अब ये वाला जो मिथ है ना ये है भाई टर्टल के अंडे को लेकर तो आपको पता होगा कि अगर हम टर्टल को यहाँ पर स्पॉन करेंगे मतलब जो टर्टल एग है और हम यहाँ पर अगर जोम्बी को स्पॉन कर देंगे तो ये जोबी नूबड़ा

एक एक घंटे पे नहीं कर रहा कुछ भाई ये, ये देखो यहाँ पे काफी ज्यादा दूंगा तो ये तोड़ने लग जाएगा नहीं ये 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 भी तोड़ रहा है भाई की तरह तोड़ रहा है 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 बट बट यार दिस इस कंफर्म की, इसका एक ही कान ये मैंने अभी नोटिस करा ठीक है, चलते हैं अपने अगले मिट्ट के तरफ अब गाइस यार ये जो हमारा अगला वाला मित्र ये काफी ज्यादा खतरनाक है तो इसीलिए हम इसको दूसरे वर्ल्ड में एक बनाने वाले हैं मतलब इस मित्त के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि जो वोर्डन होता है वो लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल मोन्चर है भाई उसके सामने कोई भी कुछ भी नहीं है बट इस मित्त के अकॉर्डिंग जो विदर बोस है वो एक्चुअली में वोर्डन को डिफीट कर सकता है तो अपने को यही ट्राई करना है बट एक सेकंड भाई ये कौन सी बायो मिल जाए ऊपर उड़ जमीन कहा आखिर देखते हैं भाई इन दोनों में से कौन जीतेगा तो यहां पर मैंने वो सामग्री ले ली जिससे कि हम एक विदर बॉस को स्पोन कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम इस भैया को स्पोन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमें ये लगाने भाई ये लास्ट में लगाऊंगा मैं लास्ट वाला बट एक सेकेंड सीधा अब हाँ बट उससे पहले हम यहाँ

मतलब वोडन से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज एग्जिस्ट करती है भाई मुझे नहीं लगा था कि ये मार पाएगा वोडन को बट रेस्ट इन पीस वोडन भैया उससे ये दो चीजें मिली है यार जो हमारा अगला वाला मिथ है वो है विलेजर्स को लेकर मतलब कि एक ऐसी बायो में जहां पर ना विलेजर्स एकदम अतरंगी कपड़ों में पैदा होते हैं तो हम उस जगह पर जाने वाले हैं टेलीपोर्ट बीस्ट मार्शन इस जगह पर तो हम यहां पर आ चुके हैं ये है जंगल बायोम बट ये डेजर्ट बायोम ज्यादा लग लगे भाई ये डेजर्ट कैसे आ गया मटी के थोड़े से एरिया में ही है। ये बट हां ये जैसा कि कहा था मैंने कि ये है बातें विलेजर्स की और यहाँ पर क्या मस्त सा प्लेटफॉर्म मिल गया भाई अपने को यहाँ स्पोन कर देंगे इसको तो बस हमें यहाँ पर एक विलेजर के अंडे चाहिए होंगे तो अगर हम यहाँ पर विजर्स को स्पोन करते हैं तो ये ना सिंपल विलेजर्स जैसे स्पोन नहीं होंगे ये देखो भाई इनके कपड़े क्या जादूरी है भाई आदिवासी वाले

अबे ये दूसरी बायोम में क्या अबे ये जंगल बायोम के कपड़े नहीं लगा जैसा कि देख सकते तो इन्होंने ना ये ये पेड़ को काट के ही कपड़े बना लिए भाई कौन सी बायोम है मेरे को जानना है इनके कपड़ों में पत्ते लगे हुए भाई ये कैसी हाँ देखो ये वाले पेड़ अलग है भाई यहाँ कुछ इस तरीके से है और मुझे बच्चे दिखना है ओ भाई, बच्चों के कपड़े भी इनके एकदम सिमिलर है पापा से बट हाई यार दिस मिथ इज कंफर्म कि इन विलेजर्स के कपड़े भाई अलग ही है और मुझे लगता है कि इस जगह पर एकदम नॉर्मल विलेजर्स के कपड़े आएंगे ये देखो भाई मुझे एक चीज सिखानी है ठीक है यहाँ पर ट्राई करते हैं तो अगर मैं इस ब्लॉक पर इस विलेज स्पोन करूंगा तो ऐसा है बट अगर इस पर करूंगा तो ये भाई दोनों और अगर ये मीट करेंगे ब्रीड करेंगे तो भाई क्या होगा कौन सा बच्चे स्पोन होगा मुझे जानना है ये तो करो ना भाई ब्रीड इन नूबड़े कर नहीं रहे इन कुछ ऐसे

वो हाँ बट ठीक है इसको ये होता है भाई तो इस वाली मिथ के अकॉर्डिंग जो आयरन गोल है मैंने वो पानी में डूब के नहीं मर सकता मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हु माना कि वो लोहे का होता है बट उसमें भी जान है यार और ये भी शायद से सांस लेता होगा तो मेरे को क्या ये जानना है भाई क्या सच्चे में इसको पानी से कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पर सबसे पहले एक गड्ढा सा करते हैं बड़ा सा जिसके अंदर हम गोलम को स्पोन करेंगे एंड उसके बाद उसमें हम पानी भर देंगे एंड देखने की क्या ये भरेगा या नहीं भरेगा मेरे हिसाब से इतना गड्ढा काफी होगा अब बस हमें यहाँ पर गोलम को स्पोन करना है उसके बाद हमें चाहिए होगी वाटर बकेट यार कोई ऐसा जुगाड़ होना चाहिए था जिससे कि भाई पूरा पानी एकदम तो जल्दी जल्दी से भर जाए बट कोई नहीं यहाँ पर अगर मैं इसको भाई बिचारा यार क्या जिंदा आदमी पे वो कर रहे हैं भाई एक्सपेरिमेंट But, अभी ये क्या? ये क्या जादू सा हो रहा है भाई But, okay, तो यहाँ पर ओके जैसा कि देख सकते मैंने पर पूरा पूरा का पानी भर दिया है अब अगर मैं यहाँ से खुद सर्वाइवल में जाता हूँ तो हमारे है तो लेट्स गो हमारे बुल तड़ करके भाई मरेगा बेटा तू तो भी मेरे साथ मर अभी कितनी देर सांस लेगा भाई बहुत देर से है तू पानी में हमारे बुलबुले खत्म हो चुके हैं एंड अपनी पिटाई शुरू हो गई भाई इसको कुछ नहीं हो रहा वेट अभी तड़प रहा है वो भी एक सेकेंड ये तड़प रहे है ना ये तड़प रहे बोल दो तड़प रहे तड़प रहे तू नहीं बट गाइज अर दिस विथ इज कन्फर्म कि अगर हम आयरन गोलम को पानी में डाल लेंगे तो भाई वो जिंदा रहेगा ये देखो तो कितनी देर से पानी में अभी ही नहीं रहा रहे नूबड़ा वह लोहे का भी तो है बेचारा तैर ही नहीं पा रहा ऊपर ही नहीं आ पा रहा भाई पानी के बट अब हम चलते हैं अगले मिथ के तरफ अब जो हमारा अगला वाला मिथ है वो है प्लेस को लेकर तो ये है अपनी जल्दी मर जाती है तो ठीक है तो ये रही भाई हमारी आयरन सोड क्योंकि जैसा कि देखिए एकदम दो तीन हिट में मार देगी एक हिट ये दूसरा हिट ये तीसरा हिट देखो हम यार इस शक्तिशाली सोड को स्नो बॉल से कंपेयर नहीं करने वाले तो इसके लिए अपन ने लिए है आयरन की सोड तो ठीक है सबसे पहले पहले यहाँ पर हमें ये ब्लेज को स्पोन करना है बारी है इस आयरन सोर्स से इसकी पिटाई करने की तो वन अब लग जा भाई एक तो लग जा एक लगा दूसरा लगा मुझे देखना कि कितने में मरी के तो तीसरा ये चौथा और चार में मर गई है ठीक है ठीक है अब बारी है अपनी स्नो की तो ठीक है वापस इसको स्पोन करते हैं एंड ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन में जाके मरी है

बट हम लिटरली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि आखिर वो दुनिया कैसी देख रहा है अगर आपको समझ जाए तो भाई मैं भी एक्सप्लेन करता हूं बट उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी स्पाइडर का अंडा तो यहां पर मैंने स्पाइडर को स्पोन कर दिया अब बस ना मेरे को यहां से इस वाले मोड में जाना है स्पेक्टेटर और जैसे अगर मैं स्पाइडर पर क्लिक करूंगा तो हम चले जाएंगे इसके परस्पेक्टिव व्यू पे जिस तरीके से स्पाइडर देखती है हम भी उस तरीके से देख रहे हैं जैसा भी देख सकते हो तो भाई पूरी स्क्रीन में एकदम अलग से भाई क्या देखती है स्पाइडर तो हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर वोडन स्पॉन करेंगे ना तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वो किस तरीके से दुनिया को देखता है माना कि वो अंधा है बट वो नूबड़ा पागल बना रहा है भाई सबको तो उसके लिए सबसे पहले बस हमें यहाँ पर कमांड लिखनी होगी वोर्डन को स्पॉन करने की अब हम वापस जाने वाले हैं स्पेक्टेटर मोड में और यहाँ पर वो सर्वाइवल में चला गया थोड़ी देर के लिए इसलिए हो गया बट लेट्स गो गाइस और ये कुछ इस तरीके से देखता है अगर आपको एक है, ये देखो भाई हम इसके खोपड़ी के अंदर घुस चुके हैं एंड हम इस तरीके से पूरी दुनिया को देखते हैं हमें आधी ब्लैक दिखती है आधी शायद से व्हाइट हो जाती है बट अभी तो भाई पूरा नॉर्मल है इसका मतलब वोडन भी असलियत में देखते हैं भाई दुनिया को ये बनाते इसकी आग नहीं भाई इसके दिल बिल में कहीं ना कहीं तो आग लगी है बट आप मुझे बताना कि आपको इन सभी में से सबसे मस्त वाला कौन सा लगा आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी वीडियो को जोर से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते ही वीडियो में बाय thank uh you -huh.